brought to you by Techno Camon 30 series. आज जिन नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, पूरे देश के लिए जनता ने जिस तरह से मतदान किया है इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, पूरे देश से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। जहां तक आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात और हरियाणा में, उन सभी सीटों से काफ़ी सकारात्मक खबर है और हमें भरोसा है कि तानाशाही हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस देश के अंदर इस तानाशाही के खात्मे की शुरुआत होगी। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और इसके अलावा असम में भी आप लोग लड़े थे, टोटल 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, कितनी अगर संख्या कुछ आंकड़ा बताएं, कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, सभी जगहों से काफ़ी सकारात्मक लोगों के फीडबैक हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर जो स्ट्राइक रेट रहा है उसमें काफ़ी सकारात्मक जो है परिणाम इस बार देखने को मिलेगा। दिल्ली में अभी तक आपकी लोकसभा में जीत नहीं हो पाई, लगता है खाता खुलेगा? निश्चित रूप से, दिल्ली के लोगों ने काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पिछले दो बार से जो वाकओवर मिल रहा था, कड़ी टक्कर दी है दिल्ली के लोगों ने और हमें भरोसा है कि काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिल्ली से भी निकल कर आएंगे। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल जाते समय भी, जब दो दिन पहले, तो उन्होंने एक जो बैठक भी की आप लोगों के साथ और जाते हुए कहा कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ पे, जैसे काउंटिंग सेंटर पे डटे रहना है। कई खबरें भी आई, कई आरोप भी लग रहे हैं आपके जो कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो मॉनिटरिंग स्क्रीन है उस पर फिल्में दिखाई जा रही है, ऐसे कई आरोप लगे भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। आपको लगता है कि उसका कुछ असर होगा, लेकिन बीजेपी क्योंकि अलग तरीके से खुद में कॉन्फिडेंट है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर सातों सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और सातों सीटों पर पूरी मजबूती के साथ सुबह से लेकर के शाम तक मतगणना की तैयारी की जा चुकी है। और मैं पूरे देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमें आखिरी समय तक इस तानाशाही से लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि मतगणना में भी उस तानाशाही से लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि ये तानाशाही किसी भी हद तक इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए जा सकती है। इसलिए देश के सभी लोगों से हमारी अपील है, जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, इस देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं, कि आज केवल मतगणना नहीं है, इस तानाशाही की लड़ाई का आखिरी दिन है, तो पूरी ताकत के साथ हमें लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। अभी जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें बीजेपी एनडीए आगे दिख रहा है, तो आपको? देखिए, अभी तो बहुत ही प्राइमरी रुझान है, लेकिन शाम तक आते आते इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको पूरी उम्मीद है कि जीत? पूरी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है। बीजेपी के हेडक्वार्टर पे एनडीए के जो घटक दल है, वो लोग अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं, लड्डू बट रहे हैं, पूजा हवन हो रहा है? कोई बात नहीं, बहुत बार जश्न मनते हैं फिर जश्न बंद हो जाते हैं, देश तो शाम को जश्न मनाएगा।